जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कारों को। देखो, बहुत से बच्चों का पुरस्कार चैप्टर से डाउट आ रहा था कि सर पुरस्कार के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, तो अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन पुरस्कार चैप्टर से गलत नहीं होगा। और देखो, इस चैप्टर से 100% नहीं 200% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। सबसे पहले हम जान लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसे किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। इसको भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, पर किसी भी बाहर के नागरिक को इसे नहीं दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्रदान किया जाता है। पर देखो साथियों, 2017 तक इसको 22 भाषाओं में दिया जाता था, पर उसके बाद एक भाषा और बढ़ी है, वो है हमारी अंग्रेजी भाषा। कहने का मतलब है 2018 में अंग्रेजी में अमिताभ घोष को क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो साथियों, प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी भाषाओं में इसको दिया जाता है? तो इसको 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो वो हैं जिनको संविधान में दर्जा प्राप्त है, एक भाषा और है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी, ठीक है। इसमें भी अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा है। और साथियों, अगर हम बात करें कि पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है, तो देखो 11 लाख रुपए की तो राशि दी जाती है, ठीक है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। किसकी प्रतिमा दी जाती है? बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। इनको हम सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है, सरस्वती माँ की प्रतिमा दी जाती है। वो प्रतिमा हमारी किस धातु की बनी होती है? तो साथियों, वो कांस्य धातु की बनी होती है। साथियों, साइड में आप लोग एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है ना, ये बाघ देवी की प्रतिमा की इमेज है, ठीक है। यही प्रतिमा पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ये प्रतिमा किसकी होती है? तो ये साथियों कांस्य की बनी होती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और साथियों, पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो वो है साथियों प्रशस्ति पत्र, जिसको हम इंग्लिश में सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो देखो, तीन चीज़ें दी जाती हैं। एक तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है जो कि कांस्य की होती है, और एक हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये चीज़ पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अब साथियों, हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि देखो, 50वां तो जन्मदिन था, किसका था? साहू जी का था। कब था? तो 1961 में था, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है अच्छे से। इसी प्रकार से आप लोग छोटे छोटे नोट्सों को बनाकर याद कर सकते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना तो 1961 में हुई थी, पर दिया कब गया था पहली बार? तो ये साथियों दिया गया था 1965 में। तो देखो, दो डेट याद रखनी है कि 1961 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और 1965 में सबसे पहले इसको दिया गया था। किसे दिया गया था? तो साथियों, दिया गया था जी कुरुप जी को। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप दो डेट याद रखना कि एक तो 1961 में इसकी स्थापना हुई, और 1965 में पहली बार इसे प्रदान किया गया। एक बात और आप लोग याद रख लीजिए कि शुरुआत में जो पुरस्कार की राशि है वो 11 लाख रुपए नहीं थी, वो थी आपकी 1 लाख रुपए। मतलब जब इसकी शुरुआत हुई थी, पुरस्कार राशि थी वो कितनी थी साथियों? 1 लाख रुपये थी। और ये 1 लाख कब तक रही? 2004 तक रही, क्योंकि 2005 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। और 2012 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
तो साथियों 11 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, इसको आप लोगों को मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखना कि 1 लाख रुपए शुरुआत में मिलते थे और एंड में 11 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम जान लेते हैं कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया गया है और सबसे पहले किसे दिया गया और सबसे पहली महिला हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, इन सब चीज़ों को हम जान लेते हैं। कि देखो वो हिंदी के बारे में ही आप लोगों से ज़्यादा पूछेगा, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन से हो जाते हैं हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साथियों सबसे पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। किसको दिया गया, तो ये थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। इनको किसके लिए दिया गया, तो इनको दिया गया था चिदंबरा के लिए, ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे, सुमित्रा ने 1968 में चिदंबरा को पत्र लिखा। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अपने आप ट्रिक बनाया करिए, बस सिंपल सा है, सुमित्रा ने 1968 में चिदंबरा को पत्र लिखा। ठीक है, देखो पंत जो है उससे आप कैसे याद रख सकते हैं, पत्र के रूप में याद रख सकते हैं, तो आप लोग बस इतना याद रखें कि सुमित्रा ने 1968 में चिदंबरा को पत्र लिखा। ठीक है, हो गया याद। और देखो हिंदी के लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, इनकी एक रचना है उर्वशी, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे कि रामधारी जी की जो पत्नी है वो कौन है, उर्वशी हैं। इनकी शादी कब हुई, इन दोनों की शादी हुई है 1972 में। ठीक है, तो आप लोग इसे ऐसे याद रख लेंगे कि रामधारी की शादी किससे हुई, उर्वशी से हुई, कब हुई, 1972 में हुई। इसके बाद साथियों 1978 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिलता है साथियों अज्ञ जी को। ठीक है, अज्ञ जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखो आप लोगों को ये बार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इससे आप लोग याद रखना सन को, 78 बार नाव में बैठे कौन, अज्ञ जी, कौन बैठे, अज्ञ जी 78 बार नाव में बैठे, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक बनाकर आप लोग इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों 1982 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कैसे दिया गया, तो ये हैं महादेवी वर्मा जी, इनको दिया गया था। और ये किसके लिए दिया गया था, तो साथियों ये थी इनकी यामा रचना, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये पहली महिला थी जिनको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना कि 1982 में यामा मोटरसाइकिल पर बैठकर महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गई थी। ठीक है, 1982 में यामा मोटरसाइकिल पर बैठकर महादेवी वर्मा जी क्या लेने गई, ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गई थी, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो साथियों ये चारों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन चारों में से ही घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इन चारों को आप लोग याद रखेंगे, इनकी रचनाओं को याद रखेंगे और भी इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक बात और आप लोग जान लीजिए कि 1982 तक यह किसी विशेष रचना के लिए मिलता था, पर लेकिन 1982 के बाद यह संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था, मतलब 1982 से पहले तो ये एक प्रमुख रचना के लिए दिया जाता था, पर 1982 के बाद
इसको संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। अब साथियों हम देख लेते हैं कि संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन लोगों को मिला था और किस सन में मिला था। तो देखो 1992 में नरेश मेहता जी को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है। 1999 में निर्मला वर्मा को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। फिर 2005 में कुमार नारायण जी को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। फिर देखो 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। पर ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो पहली बार हिंदी साहित्य में एक ही सन में दो लोगों को दिया गया, एक है अमरकांत और एक है श्रीलाल शुक्ल, ठीक है ना। तो दो लोगों को पहली बार एक साथ दिया गया, इसलिए साथियों ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में किसको दिया गया, केदारनाथ सिंह को दिया गया। किसके लिए दिया गया, तो इनको संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। फिर देखो 2017 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया है प्यारे साथियों कृष्णा सोपती को, इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। तो देखो अब तक टोटल 11 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 11 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से 9 तो पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, ठीक है। सबसे पहली महिला थी महादेवी वर्मा। कब मिला था महादेवी वर्मा को, 1982 में वो यामा मोटरसाइकिल पर बैठकर ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गई, ठीक है। और उसके बाद दूसरी महिला कौन सी है जिनको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो है आपकी कृष्णा सोपती, जिनको 2017 में मिला था, ठीक है। बस आप लोगों को मोटा मोटा इतना याद रखना है कि 11 लोगों को दिया गया, जिनमें से 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। साथियों ये तो वो हैं जिनको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि हिंदी के अलावा किन भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। किसका जन्मदिन था, साहू जी का जन्मदिन था, ठीक है। कौन सा जन्मदिन था, 50वां जन्मदिन था। और कितने रुपए मिलते थे शुरुआत में, तो साथियों 1,00,000 रुपए मिलते थे, ठीक है। ये सभी हमने अभी पढ़ा था, इसका मैंने एक क्विकली रिवीजन करा दिया। तो देखो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, 1965 में प्रदान किया गया था। किसको दिया गया, जी शंकर कुरुप जी को दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया, तो इनकी रचना थी ओटू कुशल, ये इनकी रचना थी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस भाषा के लिए दिया गया था, तो इनकी भाषा थी मलयालम, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों से इसको जीएस के पोर्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है। और साथियों 1966 में तारा शंकर बद्योपाध्याय जी को दिया गया था, इनकी एक रचना थी गढ़ देवता, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किस भाषा में दिया गया, तो साथियों ये थी बांग्ला भाषा। इसके बाद साथियों जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो है 1976 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि दिया गया था आशापूर्णा देवी जी को। किसके लिए दिया गया, तो ये दिया गया था इनकी रचना प्रथम प्रतिसूर्ति के लिए, ठीक है। और ये किस भाषा में था, तो ये था बांग्ला भाषा में। ये साथियों इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, आशापूर्णा थी। और हिंदी के लिए किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया, तो वो थी महादेवी वर्मा जी, ठीक है। अब साथियों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, 2019 का अक्की ताम नम्बूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि किस भाषा में था, मलयालम भाषा में था। इसके बाद 2020 में किसको मिला, नीलमणि फुकन को, जो कि हमारा 56वां था, वो किस भाषा के लिए था, तो वो असमिया भाषा के लिए था। और इसके बाद 2021 में किसको दिया गया,
दामोदर मौजो को, जो कि हमारा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और किस भाषा में दिया गया, तो ये दिया गया था कोंकणी भाषा में। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही था, मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।